हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ मोटिफ, क्लाउड मोटिव्स। फ्रेंड्स, आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने क्रोशे हुक से बनाया है, तो चलिए आज इस वीडियो में बनाते हैं इन्हें। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ करेंगे और इसको डबल करके यूज़ करेंगे हम। और इसके लिए जो क्रोशे हुक यूज़ करेंगे, देखिए ये है 7 नंबर क्रोशे हुक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम चेन करेंगे 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ये हम इस तरह से डबल थ्रेड यूज़ कर रहे हैं और 8 चेन। अब एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एक ही चेन में सेम प्लेस पे, नेक्स्ट इन सेम स्टिच 1 मोर सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया इन सेकंड चेन, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया है। अब 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच चेन, 3 4 और ये 5। अब नेक्स्ट चेन में, ये लास्ट चेन है, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। अब हम इनकी इस तरह से इसको घुमाएंगे और इसकी जो बैक साइड है, अब देखिए फर्स्ट में हमने बनाया, उसके बाद ये वाला सिंगल क्रोशिया, इसमें ये चेन उठाएंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 सिंगल क्रोशिया इन नेक्स्ट चेन, इस तरह से दोनों थ्रेड जो है वो हमारे आने चाहिए। थ्री फोर फाइव, ये 5 चेन बन गई इस तरह, सॉरी सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। और अब ये हमारी जो फर्स्ट हमने इधर सिंगल क्रोशिया बनाया, देखिए ये लास्ट चेन में हमने बनाया, तो इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस चेन में, इस तरह से 1 चेन करेंगे और इसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 5 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, ये यहीं पे फिर बनाएंगे। 2 नेक्स्ट इसी में ही सेम स्पेस में, 3 सेम स्पेस में, 4 और 5। देखिए इसी एक ही स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेन, ये वाली चेन है, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशे है, 1, ये 5 डबल क्रोशे है, फिर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया यहाँ पर। अब 5 डबल क्रोशे एक ही चेन में, 2, 3, 4, 5। अब हम ये 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। देखिए ये है, यहाँ पर बनाए। अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया है। अब हम 2 स्किप करेंगे, देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमने 8 बनाने हैं। देखिए इस तरह से एक ही चेन स्पेस में हमने ये 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद हमारे पास ये 2 रह गए, 1, ये रहा 1 और 2। अब इन दोनों को स्किप करेंगे और ये हमारी जो फर्स्ट चेन है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 1 चेन करेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे, हमारा ये क्लाउड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इन्हें हम सिक्योर कर देंगे थ्रेड्स को। तो फ्रेंड देखिए ये इस तरह से बन गया है। और फ्रेंड्स ये क्लाउड्स के साथ मैं बना रही हूँ एक स्वेटर जिसके ऊपर मैंने ये पैच करने हैं, लगाने हैं। और फ्रेंड्स अगर आप वो वीडियो देखना चाहती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।